जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और जो भाई नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और ये जो आपकी जो शिफ्ट है ना, ये है आपकी शिफ्ट यानी कि 26 मई की आपकी थर्ड शिफ्ट है, जो कि आपका जो SSC CHSL है वो कौन सा है, 2021 वाला है, जो पेपर कंडक्ट हुआ था 26 मई की आपकी थर्ड शिफ्ट है, ठीक है। और कुछ नहीं यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और इसी तरीके से अगर आप कंटिन्यूटी चाहते हैं, ठीक है, कुछ उम्मीद करना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है आज का वो क्या है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि जो राइस है उनका जो प्राइस है वो हाइक हो रहा है कितना, 20% से। तो बोल रहा है कि एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रहे, ठीक है। एक बार बताओ, यानी कि जो 20% है, 20% को आप कैसे लिख सकते हो, यानी कि 1/5 लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि जो आपका प्राइस है वो कितना हो रहा है, यानी कि ये एक यूनिट बढ़ रहा है, यानी कि जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 से 6 हो जा रहा है, यानी कि प्राइस 5 से 6 हो जा रहा है, तो इसकी जो कंजम्पशन है वो कितनी हो जाएगी, यानी कि 6 से 5 हो जाएगी। यानी कि अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि अगर इसका प्राइस हाइक हो रहा है, तो इसका जो जो कंज्यूम होगा वो कितना होगा, वो कम होगा। अगर जो प्राइस कम हो रहा है तो कंज्यूम क्या होगी, ज़्यादा होगी। बस इसी वाले रूल पे हम लोग इस वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं, यानी कि जब प्राइस 5 से 6 हो गया तो इसकी कंजम्पशन थी वो 6 से 5 हो गई, तो बोल रहे कि उसकी खपत कितनी कम कर देनी चाहिए जिससे इसका खर्चा ना बढ़े। यानी कि 6 से 5 यानी कितने की कमी, यानी कि 1 की कमी कितने पे, यानी कि 6 पे कमी हो गई, यानी कि 1/6 × 100 यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 16.67% के आसपास आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, यानी कि सबसे ऊंची पहाड़ी की बात करता हूं तो ये है, और इससे ऊंची पहाड़ी की बात करता हूं तो 8500 है, और फिर तीसरी कौन सी हो जाएगी, 8300, जो कि आपको H7 में दिखाई दे रही है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका जो है वो H7 हो जाएगा, वो यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 3 अंकों की संख्या है, यानी कि 2x3, जो कि किससे, यानी कि 3 से बिल्कुल डिविजिबल है, तो बोल रहा है कि x का स्क्वायर प्लस में x का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखो यार, 2x और 3, यानी कि ये वाला जो नंबर है ना, यहाँ पे क्या, यानी कि मैक्सिमम नंबर चाहिए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, 5, यानी कि अगर मैं इसके अंदर 9 जोड़ता हूँ तो 14 आएगा, यानी कि 14। क्या ये 3 का मल्टीपल हो जाएगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। अगर इस 5 में अगर मैं 8 जोड़ता हूँ कितना आ जाएगा, यानी कि 13। क्या ये 3 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं 5 में 7 जोड़ता हूँ, यानी कि 7 × 5 कितना होता है, 12, जो कि 3 का मल्टीपल होता है, ठीक है। यानी कि एक्स की जगह मैक्सिमम वैल्यू रखनी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 49, और इसके अंदर मैं 7 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 56 हो जाएगा, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका है, यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 81 और 27 का जो आपका थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है क्या हो जाएगा, यानी कि इसका क्या मतलब होता है, बी का स्क्वायर अपॉन में ए, यानी कि बी कितना है, 27, यानी कि 27 × 27 और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में आपका 81 हो जाएगा, 27 × 27, 27 × 81, 3 × 3 और 3 × 27, यानी कि 9 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या बोल रहा है कि एक स्टडी टेबल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है कि एक स्टडी टेबल का जो अंकित मूल्य है कितना है, 3200 है, यानी कि इसका MRP दिया हुआ है, यानी कि MP कितना दे रखा है, इनकी 3200 दिया हुआ है, और दो क्रमिक छूट के बाद इसे 2448 में दिया जाएगा, यानी कि 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, ठीक है, 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, जिसमें जो आपका पहला डिस्काउंट है वो कितने का दे रखा है, यानी कि 10% का, तो दूसरा डिस्काउंट पूछ रहा है, यानी कि अगर मैं पहला डिस्काउंट देता हूं तो वो कितना का हो जाएगा, यानी कि 10% का डिस्काउंट है, यानी कि 100 में से 10 गया तो कितना बचा, यानी कि 90/100, और जो दूसरा डिस्काउंट होगा वो भी कितना होगा, वो x मान के चल लो, तो 100 में से अगर आप x घटा दोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100, और यहाँ पे जब ये 2 डिस्काउंट देने के बाद में ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 2448 की हो जाएगी, ठीक है, 2448 की होगी। तो आप क्या करते हो कि 2 जीरो तो ये वाले 2 जीरो काट देते हो, और इसके बाद में यानी कि मैं 8 से काट देता हूँ, यानी कि 8 × 4 कितना हो जाएगा, 32, और 8 × 3 = 24, और 8 × 6 = 48 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 306 से कट गया, 8 × 3 = 24 और 8 × 6 = 48, ठीक। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ इसको, यानी कि 9 से काट सकता हूँ, यानी कि 9 × 1 = 9 और 9 × 3 = 27 और 9 × 4 = 36, और इसके बाद में मैं 4 से इसको काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 25, और फिर बाद में 5 × 2 = 10 और 5 × 5 = 25 और 2 से इसको काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 17, यानी कि 100 − x = 17, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा, तो 17 × 5 कितना हो जाएगा, 85, यानी कि x
और 85 माइनस का कितना हो जाएगा 100, यानी कि माइनस का x इजिकल टू कितना मिल जाएगा, माइनस का 15, माइनस से माइनस कट जाएगा, जो आपका सेकंड डिस्काउंट हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, यानी कि 15% का हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 4 में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, क्या बोल रहे हैं कि 5000 की एक राशि है और जिसपे 8% की दर से तीन वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर बताना है, और ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, वैल्यू आपकी अगर अप्रोक्सीमेशन में है, ठीक है, वैल्यू आपकी क्या है, अप्रोक्सीमेशन में है, तो एक बार बताओ, यानी कि अगर मैं इस पे सी आई की बात करता हूँ, यानी कि 8% की बात है, यानी कि अगर मैं सी आई देखूंगा और नेट रेट, यानी कि देखो यार इसको याद कर लेना, ठीक है, नेट रेट कितना हो जाएगा, यानी कि 8% के हिसाब से, यानी कि 25.9712 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लोगे, क्योंकि देखो यार इस क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन आने ही है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, और इसको अगर आप याद कर लोगे ना तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगर मैं SI की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि 8 से 24% रहेगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का डिस्काउंट देखता हूँ, यानी कि सॉरी इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1.9712 हो जाएगा। बेसिकली आपको क्या पूछ रहा है, यानी कि बेसिकली आपको यही निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि आपको क्या निकालना है, यानी कि 5000 पे कितना निकालना है, यानी कि 19712, और परसेंट की बात कर रहा था तो यानी कि परसेंटेज के 2 जीरो आ जाएंगे, और इस पॉइंट को हटाने के बाद में 4 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है, कितने आ गए, यानी कि इस पॉइंट को हटाने के बाद में 4 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है, और फिर देखो 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कट जाएगा, और उसके बाद में 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, यानी कि 2 निम्न कितना हो जाएगा, 2 निम्न 18, यहाँ से 2 अट्ठे 16, और यहाँ से 2 पंचे 10 और 2 छः 12, और 2 पॉइंट के बाद में यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 98.56 आ जाएगा, जो कि इस 99 के थोड़ा सा आसपास रहेगा, यानी कि इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 99 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यानी कि थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, बोल रहे हैं कि ए और बी अलग अलग काम करते हुए एक काम को 21 दिन में, यानी कि ए जो है वो 21 दिन में एक काम को करता है और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, यानी कि 24 दिन में करता है। तो बोल रहे हैं कि यदि वे अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं और ए काम को स्टार्ट करता है, यानी कि ए काम को स्टार्ट करता है, तो बोल रहे कि ये काम कब तक खत्म हो जाएगा, तो मेरे को क्या चाहिए, 21 और 24 का मेरे को एलसीएम चाहिए। 21 और 24 का अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो यार मेरे को एक बात बताओ, मेरे को वो बात क्या है, वो बात ये है कि अगर मैं 21 को लिखूं तो यानी कि 7 × 3 लिख सकता हूं, और अगर मैं 24 को लिखूं तो 8 × 3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। ठीक है, अगर मैं इसकी एलसीएम की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, 7 × 8 × 3 हो जाएगा, यानी कि यहां पे तो आपको 21 दिखाई दे रहा है, यानी कि ये 7 या 21 बन जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरीके से 24 यानी कि 8 से 24 बच रहा है, तो यहां पे कितना बच रहा है, यानी कि 7, यानी कि ये इसकी क्या हो जाएगी, यानी कि एफिशिएंसी आपको निकल के आ गई, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7। अगर मैं टोटल काम की बात करता हूं तो 7 या 21 × 8 कितना हो जाएगा, यानी कि 21 × 8, 8 × 8, 8 × 16, यानी कि 168 आपका टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार बताओ मेरे को, यानी कि पहले जो काम करेगा वो कौन करेगा, ए करेगा, और फिर कौन करेगा, बी करेगा, इसी तरीके से फिर ए करेगा और फिर बी करेगा, यानी कि अगर मैं ए को काम कराऊं तो एक दिन के अंदर ये 8 काम करता है, और फिर इसी तरीके से अगर मैं बी को अगले दिन काम कराऊं तो ये 7 काम करता है, यानी कि ये 2 दिनों के अंदर कितने काम कर लेते हैं, यानी कि 15 काम कर लेते हैं। ठीक है, एक और एक बात और बताओ, यानी कि इस 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसके आसपास आ जाए, यानी कि अगर मैं 15 को 10 से करता हूं तो 150 होता है, अगर मैं 15 को 11 से करता हूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 165 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 11, यानी कि 11 पेयर बन गए, और आपको पता है कि एक पेयर के अंदर कितने दिन थे, 2 दिन थे, यानी कि इन 11 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 22 दिन, यानी कि 22 दिन आपका बिल्कुल आ जाएगा, और सभी के अंदर, यानी कि इसके अंदर 22 दिन नहीं है तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पे भी 22 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 22 दिखाई दे रहा है, और ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसके बाद में जो आपका काम बचा है वो कितना है, देखो 168 आपका टोटल वर्क था, ठीक है, इसके बाद में आपके पास में कितना बचा है, 165 काम बचा है, यानी कि 3 काम और बचा है, यानी कि अब 3 काम बचा है, तो ए कितना करता है, ए, और जो अगला काम करेगा वो ए ही करेगा, यानी कि ए काम करता है, लेकिन ए जो है एक दिन के अंदर 8 काम करता है, लेकिन 3 काम बचा है, तो 8 काम करेगा, कर सकता है, तो 3 के बटे में 8, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 22 सही 3 बटे 8 दिन में ये सारा का सारा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देख लेंगे 8,
ठीक है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है और कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को पहले ना करें, और ताकि क्योंकि देखो यार इस क्वेश्चन को करोगे तो थोड़ा सा पजल हो सकते हो, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग पजल हो एग्ज़ाम के अंदर। तो एक राइट जो गाइडेंस है वो भी मेरे हिसाब से मेरे को आपको देनी चाहिए, तो मैंने आपको दे दी। ठीक है, वो ये है कि आपके पास में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो यार जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये तो बेसिक क्वेश्चन मैं कर लूँगा, लेकिन आप फंसोगे यहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे क्या अप्रोच होगी इसको क्वेश्चन इस क्वेश्चन को करने की, यानी कि भारतीय छत्तीस। सबसे पहले मैं इस बार को हटाऊंगा, भारतीय छत्तीस और दो कितना हो जाएगा 38। ठीक है, यानी कि 38 के बटे में 3 हो जाएगा माइनस का 3 में 27 और 2 कितना हो जाएगा 29 के बटे में 3 हो जाएगा। ठीक, यानी कि जब मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास में कितना बचेगा, यानी कि मेरे पास में बचता है इनकी 38, यानी कि 18 में से 9 हो जाएगा 9 और अपॉन में कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 × 3 = 9, यहाँ से कितना बचता है आपके पास में 3 बचता है। ठीक है, यहाँ से कितना बचा, यानी कि 3 बचा। इसके बाद देखना, इसके बाद देखो इनकी 16 पंचे 81 के बटे में कितना हो जाएगा, इनकी 5 हो जाएगा, यानी कि 81 के बटे में 5 और यहाँ से कितना बच रहा था 3 बच रहा था, इनटू में कितना हो जाएगा, इनटू में 1 के बटे में 3, यानी कि डिवाइड है, डिवाइड को अगर मैं चेंज करूँगा तो ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 3, 7 = 21, यानी कि 27 के बटे में 5। ठीक, यानी कि इस वाली पूरी ब्रैकेट से आपको कितना मिला है, यानी कि 27 के बटे में आपको 5 मिल गया। इसके बाद में अगर मैं इसको देखता हूँ 5 × 45 और कितना हो जाएगा 46, यानी कि 46 के बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, और अगर फिर मैं इसको ऐसे के ऐसे छोड़ दूं और फिर बाद में अगर मैं इसको देखता हूं तो 17 × 34 और 35 के बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 35 के बटे में 2 हो जाएगा और इंटू में कितना हो जाएगा 21 × 63 और 64 × 21 हो जाएगा। ठीक है, 64 × 21 यानी कि 7 × 21 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, 32 × 5 कितना होता है 160 × 3 हो जाएगा, यानी कि जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास कितना मिला 160 × 3 मिला। अब देखो आपको क्या करना है, देखो ये वाली जो ब्रैकेट दिख रही है, ये वाली ब्रैकेट दिख रही है, यानी कि सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, इस वाले को सॉल्व किया तो मेरे पास में कितना आया था, इसको अभी थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, यानी कि 27 × 5 आया था और यहाँ से कितना आएगा प्लस का, यानी कि 160 × 3 आएगा। ठीक है, 160 × 3। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को इसको सॉल्व करना है, यानी कि 5 और 3 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 और 3 का एलसीएम 15 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 15 को यानी कि 27 से कितना हो जाएगा 81 और प्लस में 16 × 5 कितना हो जाएगा 800। ठीक है, यानी कि 881 के बटे में 15 हो जाएगा, 881 के बटे में 15 हो जाएगा और यहाँ से आपको कितना दे रहा था 46 के बटे में 5, यानी कि क्या होगा, यानी कि 46 के बटे में 5 और देखो यहाँ पे ये डिवाइड था तो साइन इसका चेंज कर देता हूँ तो ये 15 आपका ऊपर आ जाएगा और ये 881 आपका नीचे आ जाएगा, यानी कि 5 × 5 = 15, यानी कि 3 × 6 कितना हो जाएगा 18, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 12 और 1 × 13 138 के बटे में कितना हो जाएगा 881, यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पे, ऑप्शन 2 में। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा हो ये देखने के अंदर, लेकिन यार थोड़ा सा देख लेना अगर थोड़ी सी चीज़ें अगर दिक्कत आ रही हो। ठीक है, क्योंकि स्लाइड से मतलब स्लाइड अच्छी तरीके से नहीं हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका थोड़ा सा इसका इसको मतलब थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिखा गया है, लेकिन ये पैटर्न आपका जाना पहचाना पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है कि अगर देखो अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा ना तो आपके पास में क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, यानी कि 1 − x प्लस में x का स्क्वायर और इनटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 1 + x प्लस में x का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में कितना आता है, ये आता है, यानी कि ये कितना है, यानी कि 585। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको 65 दे रखी है, यानी कि 1 + x प्लस में x का स्क्वायर और ये 585 अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि 65 हो जाएगा, यानी कि 13 × 5 = 65 हो जाएगा, 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 45, यानी कि यहाँ से आपको सॉल्व किया तो यहाँ से आपको कितना मिला, 9 मिला, जो कि आपको ऑप्शन 3 में देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि कोई निर्माता है और एक वस्तु को 11% के प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, 11% के प्रॉफिट पर बेचता है, सिंपल सा देखना कि ये एक्स है और 11% के प्रॉफिट में बेच रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि 111 के बटे में 110 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से ये फिर क्या कर रहा है, इसको 15% प्रॉफिट पर यानी कि 115 के बटे में 100 कर सकता हूँ। इसी तरीके से फिर ये क्या कर रहा है, फिर से इसको 19% के लाभ पे यानी कि 119 के बटे में 100 कर सकता हूँ। और फिर बाद में जो इसकी फाइनल कॉस्ट पड़ती है वो कितनी है, 17,045 पड़ती है। ठीक है, यानी कि 17,045 हो गई। इस देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है,
तो मैं क्या करता हूँ, थोड़े से चेंज करता हूँ। वो थोड़े से चेंज क्या है, चेंज आपको करने पड़ेंगे अगर आपको थोड़ा सा इसको सही करना है। तो अगर देखो यहाँ पे 119 था, तो इस 119 की जगह क्या मैं 120 लिख दूँ, क्योंकि आपका क्या है यानी कि ऑप्शन जो आपका आंसर है वो आपका अप्रोक्सीमेशन में बोल रहा है, यानी कि जब आप अप्रोक्सीमेशन में बोल रहे हैं तो थोड़ा सा आप अपनी तरफ से चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे कर सकते हो। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि सभी ऑप्शन में जो आपका थोड़ा डिफरेंस है वो अच्छा खासा है, यानी कि अगर आप चाहो तो चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर 111 है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 110 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस 111 को हटा के यहाँ पे मैं 110 कर देता हूँ, 110 कर देता हूँ। यहाँ पे 100 हो जाएगा, मेरे से गलती हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखो, अब मेरे को ना थोड़ी सी राहत मिलेगी, कोई ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी। देखो 2 जीरो से तो ये वाली 2 जीरो कट जाएंगी। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यानी कि 4 3 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसके बाद मैं करता हूँ कि 5 2 10 5 3 15 और 5 5 25 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में आपको कुछ और चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, यानी कि 23 कितना होता है, 69। 69 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा, 69 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 69 और ये 69 यानी कि 9 9 6 15 और कितना हो जाएगा, 759 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप x इज इक्वल टू में यानी कि 17045 इंटू में, ठीक है, ये कितना है, यानी कि 500 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 इंटू में 100 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा यानी कि 759। ठीक है, 759 हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, 5 5 कितना हो जाएगा, 25 की 2 हो जाएगा, 5 4 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 5 7 35 5 7 35 में 1 जोड़ दूंगा तो 5 1 5 और सॉरी 5 1 5 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 हो जाएगा। और नीचे मैं इन 2 जीरो को मैं भी इग्नोर करता हूँ और इसको मैं किससे भाग कर देता हूँ, इनकी 759 से भाग कर देता हूँ, इनकी 759 से भाग करूँगा तो 1 पे जाएगा। और देखो सबके आगे क्या है, 1 है, यानी कि सबके आगे क्या है, 1 है, यानी कि 1 से जाएगा तो 759, यानी कि 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा और 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर से ये 1 पे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 759 हो जाएगा। 12 में से 9 जाएगा तो 3 और 12 में से 5 जाएगा 7 और 8 में 7 जाएगा 173। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, यानी कि 1735। अब ये 2 पे चला जाएगा, अब ये 2 पे चला जाएगा तो देखो कितना हो जाएगा, 2 में 18, 2 5 10 और 11, 2 7 14 और 1 15। यार एक बार बताओ यहाँ पे कितना आ गया, 112। यानी कि इसके बाद चीज़ें क्या होंगी, यानी कि इस 112 आपको दिखाई दे रहा क्या। ठीक है, इतना ही तो आपको हिंट चाहिए, आपको पूरा पूरा एक एक पॉइंट थोड़ी आंसर निकालना है। ठीक है, यहाँ से आपको हिंट मिल गया 112, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो बहुत लंबा है। ठीक है, तो इसको आप टिक करोगे और आगे बढ़ोगे अगर आपको क्वेश्चन को टाइम पे करना है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 11। एक पंसारी की लगातार 5 सप्ताह तक यानी कि इतनी इतनी सेलें हैं और ये बोल रहा है कि 6ठे सप्ताह में उसकी जो सेल है वो कितनी होनी चाहिए अगर उसका जो एवरेज है 8500 रहे। आप क्या करोगे, सबसे पहले 8500 और इंटू में क्या कर दोगे, 6 कर दोगे, क्योंकि 6 वीक की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि 6 वीक की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 0 0 6 5 30 6 8 48 और 3 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, 51,000 हो गया, यानी कि अगर मैं टोटल सेल की बात करता हूँ तो 51,000 हो जाएगा। अगर मैं इन सभी को जोड़ लूँ, यानी कि 8 4 3 5, ठीक है, 8 9 2 7 और 8 8 5 5, 8 8 5 5, 9 2 3 0, 9 2 3 0 और 8 5, यानी कि 8 5 6 2। ठीक है, अगर मैं इन सभी को जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 7 5 12, 5 17, तो कितना हो जाएगा, 19 की 1 हो जाता है। ठीक है, 2 और 3 5 6 6 5 11, 11 3 14, 14 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 14 6 20 की और कैरी हो जाएगा 2 4 2 6 और 15 15 और 8 23 25 और 30 की 3 हो जाएगा, 8 8 16 3 19 19 8 कितना हो जाएगा, 27 27 8 कितना हो जाएगा, 35 35 और 9 कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, यानी कि 44,009। यानी कि अब देखो
ये 5 हफ्ते की बात कर रहा है, कितना हो जाएगा 44,900। अगर मैं इसमें से घटा देता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, यानी कि छठा हफ्ता बचेगा, 10 में से 9 जाएगा एक, यानी कि देखो लास्ट डेट क्या आ रही है आपके पास में, एक आ रही है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। और फिर देखो 10 में से 9 यहाँ पे कितना बचेगा, यानी कि 9 ही बचेगा। तो आपको देखो अगर आप सेकेंड लास्ट 2 डिजिट की बात करते हो तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूरा आपको घटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, जो आपका 12 क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक वर्ग की भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग यदि भुजा को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि जितनी इसकी भुजा थी उसको मैं क्या कर देता हूँ, 2 टाइम कर देता हूँ। और यहाँ पे ना कोई आपके पास में जो पूछा हुआ है वो बोल रहा है कि कितना गुना बढ़ जाएगा, यानी कि कितना गुना बढ़ जाएगा, यानी कि जो आपका कोई रियल रियल आंसर नहीं पूछ रहा है, रियल वैल्यू पे आपका ये क्वेश्चन बेस्ड नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि पहले जो इसकी साइड थी वो 1 थी, अब कितनी, यानी कि इसकी 2 टाइम हो गई है, यानी कि 2 हो गई है। अगर मैं पहले इसका एरिया निकालता तो 1 ही आता, यानी कि 1 का स्क्वायर। अगर मैं अब इसका एरिया निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 4। तो मेरे भाई यानी कि यहाँ से 1 से कितनी हो गई, 4, यानी कि कितना गुना बढ़ गया, यानी कि 4 गुना बढ़ गया, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मान के चलो कि यहाँ पे जो 5 की जगह है आपको बोल देता 3 टाइम, ये बोल देता 4 टाइम, तब ये क्या करते, तब अभी तो क्या लग रहा होगा कि 5 से मैं 25 कर दूंगा, नॉर्मल आ तो रहा है, तो क्या ही दिक्कत है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। चीजें थोड़ी सी आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे छोटी वैल्यू है, अगर बड़ी वैल्यू होती तो यही थोड़ा सा टिपिकल बन सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। तो कर लोगे, फिर भी देख लेते हैं। 3 यानी कि 10 45 का वैल्यू 1 होता है, और प्लस में cos 60 कितना होता है, यानी कि 2/2 × 1/2 होता है, और sin 30 भी कितना होता है, यानी कि 1/2 ही होता है, ठीक है। यानी कि 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि 3 और 1 4, 4 में से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा यानी कि 14। एक ट्रैक्टर 10%, 5% और 2% की 3 जो लगातार डिस्काउंट है वो दिए जाते हैं। यदि उस ट्रैक्टर का जो MRP है, यानी कि MP है, वो कितना है, 4,88,000 है, तो इसका SP पूछ रहा है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे, यानी कि 4,88,000 इंटू में, यानी कि 10 का डिस्काउंट है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 90/100 हो जाएगा, इंटू में अगर 5 है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 95/100 हो जाएगा, ठीक है। और फिर बात करता हूँ तो 2 है तो कितना हो जाएगा, 98/100 हो जाएगा। एक बात देखना कि यहाँ पे जो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, और ये वाले 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कट जाएगा, ये वाला 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। एक चीज़ मेरे को बताना कि जो आंसर आएगा ना नीचे आपके पास में सिर्फ 1 जीरो बचती है, यानी कि जो आंसर आएगा ना वो पॉइंट के बाद में सिर्फ 1 पॉइंट होगा, ठीक है। पॉइंट के बाद में सिर्फ 1 पॉइंट होगा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, या तो आंसर ये आपका ये होगा या फिर आंसर आपका ये होगा। एक चीज़ और क्या, यानी कि ये जो आंसर आएगा वो आपका, यानी कि वो जो होगा आपका, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, 4 जीरो काटनी थी और 4 जीरो तो है ही टोटल। एक बार फिर से देख लेना, थोड़ी सी चीज़ें मेरे को लग रहा है कि मिस हो गई है, ठीक है। दोबारा वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि 4,88,000 इंटू में कितना आ जाएगा, यानी कि 90/100 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका 95/100 हो जाएगा, और फिर 98/100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप 4 जीरो देखो ऊपर है, यानी कि 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। यानी कि ये 3 जीरो और 1 कट गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यानी कि 5 से काट देता हूँ, यानी कि 5 एकम 5, 5 में 45 और 5 दूनी 10, 0 होगा। अब मैं 2 से काट देता हूँ, यानी कि 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ पे 10 आ गया। अच्छा अब देखो एक बात ये बताओ कि यहाँ पे मेरे को 10 दिखाई दे रहा है, तो एक ही पॉइंट है नीचे, यानी कि एक स्थान के बाद में आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं वही कह रहा था कि एक स्थान के बाद में आपका आंसर आएगा, तो ये आपके दोनों आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 स्थान है, ठीक है। नंबर एक चीज ये आपको देखना था, ठीक है। और क्या देखना था, यानी कि इसकी लास्ट डेट देखो, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। और इसके अलावा मैं क्या देख सकता हूँ, यानी कि इसके अलावा देख सकता हूँ जो आपका आंसर होगा वो आपका 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है। जो आपका आंसर होगा वो आपका 9 का मल्टीपल होगा, तो इनके जो सम है वो जोड़ सकते हो आप, ठीक है। अगर आप इनके सम को जोड़ोगे, ठीक है, अगर आप इनके सम को जोड़ते हो तो 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है। और 8, 8, 16, 16, 5, 21 हो जाएगा, 21 और 5 कितना हो जाएगा, 26, ठीक है। कितना हो जाता है,
एक बार फिर से देख लो, यानी कि 9 5 ठीक है 26 हो गया, यानी कि ये तो आपका 9 का मल्टीपल नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ये देख लेते हैं, यानी कि 8 4 12 12 8 20 20 और ये कितना हो जाएगा यानी कि 27 हो जाएगा, ये 27 आपका 9 का मल्टीपल है, यानी कि ऑप्शन इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख लो कि ये 98 इंटू में 19 इंटू में 9 इंटू में 244, यानी कि खुद कितना बड़ा कैलकुलेशन हो सकती है आपके सामने, ठीक है जिसमें आपकी ब्लंडर मिस्टेक भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को करने का मल्टीपल से अच्छा और इस पॉइंट को देखने का कोई बहुत इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता, ठीक है लास्ट भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है एंड पॉइंट भी चेक कर सकते हैं और मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो जाएगा, एक बस है दिल्ली से मुंबई तक 60% की यात्रा, यानी कि 60% की बात करता हूँ तो 3 के बटे में कितना हो जाएगा, 3 के बटे में आपके पास में 5 हो जाएगा, ठीक है यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है 5, यानी कि 60% कितना हो जाता है 3, और बोल रहे हैं जो इसकी रिमेनिंग जो ट्रैवल है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो इस पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत जो एवरेज है वो कितनी हो जाएगी, ठीक है औसत 4 पूछ रहे हैं, ठीक है तो एक बात बताओ मेरे को, ये 3 दे रखा है यानी कि जो आपकी रिमेनिंग कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या बोला जो नीचे होता है वो आपका टोटल वैल्यू होता है, यानी कि 3 की यात्रा की अगर मैं एवरेज की बात करता हूँ तो क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि टोटल डिस्टेंस और अपॉन में कितना होता है यानी कि टोटल टाइम, ठीक है टोटल टाइम होता है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 3 है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 5, यानी कि टोटल डिस्टेंस ये कितनी कवर कर रहा है 5 कवर कर रहा है, और 3 की स्पीड से जाता है वो कितना है यानी कि 60 के हिसाब से, और प्लस में यानी कि टाइम आ रहा है ना, और जो 2 की स्पीड है वो कितना है दो यूनिट डिस्टेंस जो कवर करता है वो कितने की स्पीड से, इनकी 70 की स्पीड से, यहाँ से इसको आप सॉल्व कर दोगे आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है इनकी 70 दिया कितना हो जाएगा एलसीएम ले लूँगा, इनकी 70 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे 70 दिया कितना हो जाता है 210 और 60 दूनी कितना हो जाता है 120 और 6 7 42 ये इंटू में इधर आ जाएगा यानी कि 4200 हो जाएगा, ठीक है इसके बाद देखो यानी कि 200 और ये कितना हो जाएगा 330, यानी कि 5 के बटे में 330 और इंटू में कितना हो जाएगा 4200 हो जाएगा, 10 से तो 10 काट दोगे 3 1 3 और 3 1 3 3 6 12 यानी कि 14 5 कितना हो जाता है यानी कि 70 हो जाएगा, 700 के बटे में कितना हो जाएगा 11 क्योंकि एक पॉइंट था, यानी कि 11 6 66 4 बच जाता है 11 3 33 हो जाता है, यानी कि 63 समथिंग आ जाएगा और एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 63 समथिंग, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका 16 है, बोल रहा है कि 2013 के दौरान किस प्रकार की कार सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का 30% थी। देखो यानी कि 2013 की बात कर रहा है और 2013 में जो टोटल प्रोडक्शन था वो कितना था 70, अगर मैं इस 70 का 30% की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 10 से ये वाली 0 यानी कि 7 की कितना हो जाता है 21, यहाँ देख लो कि 21 कहाँ आ रहा है यानी कि यहाँ पे आ रहा है, यानी कि वो कार कौन सी है D1, यानी कि D1 यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है यानी कि फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ जो है आपका 17, बोल रहे हैं कि दो उम्मीदवार के बीच यानी कि दो उम्मीदवार हैं और उनके बीच में एक चुनाव हुआ है, 10% जो वोटर्स थे उन्होंने अपना वोट नहीं डाला, यानी कि मैं मानता हूँ कि 100 वोटर्स थे, 100 में से 10% ने अपना वोट नहीं डाला तो कितने बचेंगे 90, और उसके बाद में बोल रहे हैं कि 5% वोट क्या हो गए अवैध हो गए, अगर मैं 90 का 10% निकालता हूँ तो 9 हो जाएगा, अगर मैं 5% निकालता हूँ तो इसका आधा यानी कि 4.5, यानी कि 4.5 घटाता हूँ तो मेरे पास में जो कितने वोट बचते हैं, अब मेरे पास वोट बचते हैं 85.5, ठीक है कितने हो जाएगा यानी कि 85.5, इसमें से बोल रहे हैं कि जो एक को कितना मिल रहा है, एक को आपका 55% वोट मिल रहा है और दूसरे को आपको कितना मिलेगा यानी कि 45% वोट मिलेगा, और 1710 वोटों से क्या कर देता है जीत जाता है, यानी कि जीतने वाला कौन है, यानी कि ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विनर हो गया, ठीक है और ये आपका क्या हो गया लूजर हो गया, ठीक है ये आपका लूजर हो गया, तो एक बार बताओ यानी कि इसको कितने परसेंट, यानी कि 10% की वैल्यू बोल सकते हो, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी होगी 1710, यानी कि अगर आप 100% की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1710 के बटे में 100 इंटू में कितना हो जाएगा 100, यानी कि 10 से 10 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा यानी कि 171 और 00, यानी कि ये जो क्या हो गई 100%, और यहाँ पे 100% किसको डिनोट करता है यानी कि 85.5% को, यानी कि आप कह सकते हो कि 85.5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यानी कि 171 00 हो जाएगी, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है यानी कि कितनी हो जाएगी, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 100 और अपॉन में कितना हो जाएगा 855, और इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे मैंने 10 लगा दी और यहाँ पे 100 यूनिट की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, ठीक है यानी कि अब मैं 5 से काट देता हूँ इसको, यानी कि 5 1 5 हो जाएगा, 5 7 35 5 1 5 और 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है
और 171 को 171 से यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20,000, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 4 में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 18, बोल रहा है क्या नीचे दिए गए पाई चार्ट है और कुल मासिक आय के प्रतिशत के रूप में विभिन्न मदों के तहत एक परिवार द्वारा किए गए मासिक व्यय को, यानी कि जितना भी एक मंथली एक्सपेंडिचर होता है वो बताया गया है। यदि परिवार की कुल मासिक आय यानी कि जो मंथली इसकी इनकम है वो कितनी दे रखी है, यानी कि 70,000 दे रखी है, तो मकान किराए पर किया गया मासिक व्यय कितना है, यानी कि कितना था उसका मकान जो किराया था, यानी कि रेंट रेंट पूछ रहा है, यानी कि मकान किराया कितना है, यानी कि 14%, यानी कि 70,000 का आपको क्या निकालना है, 14% निकालना है, तो 14 कितना होता है 98 होता है, यानी कि 9,800 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन थर्ड में देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 19, यानी कि एक परीक्षा में क्या बोल रहा है 60% लड़कियों के औसत अंक कितने हैं 15, यानी कि इसको मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन से देख लेता हूँ कि ये आपके 15 हैं एवरेज और ये गर्ल्स हैं। ठीक है, और बॉयज़ की बात करता हूँ तो 40 लड़कों के औसत अंक कितने हैं 30, और यहाँ पे कुछ इनका एवरेज आएगा क्योंकि इन दोनों का एवरेज पूछा है समूह का, और यहाँ पे कितनी लड़कियाँ थी 60 लड़कियां थी और कितने लड़के थे 40 लड़के थे। अच्छा एक बार बताओ मुझे, यानी कि अगर मैं इनको देख लेता हूँ तो 20 दूनी 40 और 20 से कितना हो जाएगा 60, यानी कि अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 15, और 15 को इनमें बांट देता हूँ तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यानी कि 30 में से मैं क्या घटाऊं कि 9 आ जाए यानी कि 21, और 21 में से क्या घटाऊं कि 6 आ जाए यानी कि 15, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका आपका ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका आप क्या देख सकते थे यहाँ पे, आप यहाँ पे ये भी देख सकते थे कि अगर देखो इस तरीके से देखना कि यहाँ पे आपका 15 है और यहाँ आपका 30 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका रेशियो आ गया 3:2, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कैसे आया है। ठीक है, 3:2 आ गया, और यहाँ पे कोई वैल्यू है, यहाँ से ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लो। देखो जो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा ना वो 15 और 30 के बीच में ही होगा, यानी कि 15 और 30 के बीच में होगा, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये आपका आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। यानी कि अगर मैं 21 रखता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, इनका रेशियो करके देख लो 3:2 और 3:3, क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और आपका जो दूसरा तरीका आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको कर सकते हो, और मैं तो यही कहूँगा कि दोनों चीज़ें आपको आनी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तभी तो आप एग्ज़ाम में देख पाओगे ना कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से क्वेश्चन करने में, कभी क्या होगा, कभी ये वाला आपको सही पड़ेगा, कभी दूसरे वाला सही पड़ेगा, तो जितनी तरीके से आप उस चीज़ से गो थ्रू हो जाओ उतना ही बेहतर है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन है, यदि एक ठोस अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर है, अगर रेडियस की बात करता हूँ तो कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है कितना हो जाएगा, यानी कि 3πr² इसका 3 × 22/7, और आर का चार कितना हो जाएगा, यानी कि 7:7, 7 से 7 चला जाएगा, 7×21 यानी कि 22 × कितना हो जाएगा 21, 21×42 की कितनी हो जाएगी 4, 21×42 और 4 कितना हो जाएगा 46, यानी कि 462 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नॉर्मल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 क्या बोल रहा है, 21 बोल रहा है कि ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है और सी की वैल्यू दी हुई है, तो आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि इसकी वैल्यू आपको बताना है, यानी कि अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू देखूं, देखो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो कभी गलत होने मतलब होना ही नहीं चाहिए, तो मैं इसको अगर मैं खोलूंगा तो मैं किस तरीके से खोल लूंगा इसको, यानी कि 1/2 और ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा बी माइनस सी का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा यानी कि सी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, और ये ब्रैकेट में बंद, यानी कि 1/2, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 2022 में से 2021 घटा दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा एक बचेगा, और एक का स्क्वायर कितना एक ही रहेगा, प्लस में बी माइनस सी की बात करता हूँ तो यहाँ पे 2021 है और यहाँ पे 2020 तो कितना आ जाएगा एक, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, अगर मैं 2022 में से 2020 घटाता हूँ तो 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस का आ रहा है लेकिन स्क्वायर है तो प्लस में ही हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/2 4, 5, 6, यानी कि 2×2 2×3 6, यानी कि 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 22 हो जाएगा। 10 मीटर व्यास वाले एक वृत्त में 2 समांतर जीवाएं खींची जाती हैं, ध्यान से देखना कि ठीक है, 10 सेंटीमीटर 10 मीटर व्यास वाले, ठीक है, इस तरीके का एक सर्कल है,
और इसके अंदर बोल रहा है कि 10 मीटर व्यास वाले एक वृत्त में दो समांतर जीवाएं खींची गई, यानी कि जीवाएं खींची यानी कॉर्ड खींची जा रही है। मान के चलो कि एक कॉर्ड आपकी कहाँ पे है, ठीक है, एक कॉर्ड आपकी ये है और दूसरी कॉर्ड जो है वो आपकी ये है, ठीक है, दूसरी कॉर्ड ये है, एक जीवा की लंबाई 8 मीटर है, ठीक, यानी कि एक जीवा की लंबाई 8 मीटर है। ध्यान से देखना कि अगर मैं इस तरीके को इसको मिला दूं और ये आपका सेंटर होगा, ठीक है, और ये आपका सेंटर है और ये भी आपका सेंटर है। एक बार बताओ, अगर ये 8 है तो ये इसको दो भागों में बांटेगी, यानी कि ये वाला और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये पूरा अगर 8 है तो ये इतना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, 5। यहाँ से आपको देखो कि ये क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये 4 5 तो ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक, इसी तरीके से ये कितनी है, 5 है, ठीक, ये अगर 5 है और इनके बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर, अगर यहाँ से यहाँ तक 3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 3, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4, अगर ये 4 हो गई तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4, और 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 23, 23 क्या बोल रहा है कि राम एक राजमार्ग पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है, जबकि श्याम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा चाल से यात्रा, उनकी चालों में अंतर बताना मीटर मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 72 में से 90 में से 72 घटा दो कितना हो जाएगा, 18, इंटू में कितना कर दोगे, 5 के बटे में 18, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 18 से 18 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4, इसको तो करने की भी जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, बोल रहे हैं क्या कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की 15 एक जैसी ठोस गोलाकार गेंदों को पिघला कर, यानी कि जब भी किसी चीज को मेल्ट किया जाएगा ना तो वहां पे वॉल्यूम की बात होगी, ध्यान रखना। यानी कि अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो 4/3 पाई, और फिर देखो क्या हो रहा है, और निर्मित बड़े गोले की त्रिज्या है, यानी कि देखो दोनों तरीके से गोला ही बनाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी गोला है और ये भी एक गोल है, यानी कि गोला है, अगर मैं इसका वॉल्यूम की बात करता हूँ तो 4/3 πr³ होता है, और 4/3 और पाई, ठीक है, दोनों में से कट जाएगा, तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन लिखता हूँ, यानी कि इसकी डायरेक्शन यानी कि πr³ होता है, 4/3 πr³ जो कि दोनों तरफ है तो वो कट जाएगा, तो मैं लिख ही नहीं रहा इसको, यानी कि 5 × 5 और 5, ठीक है, और कितने गोले हैं ऐसे, यानी कि 15 गोले। और क्या बोल रहा है, और जब ये सब कुछ कर रहा है तो उसमें 35% क्या हो जाए, वेस्ट हो गया, यानी कि 100 में से 35% वेट हो गया, तो वेस्ट हो गया तो कितना बचेगा आपके पास में, यानी कि 65% बचेगा, बोलो, ठीक है, ये आपके पास में 65% बचा है। इसी तरीके से 4/3 πr² तो कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ r³ बचेगा, यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, यानी कि 5 से काट देता हूँ इसको, ठीक है, 5 से काटा, 5 × 5 5 × 2 = 10, और 1 5 से और काट देता हूँ, 5 × 3 = 15, ठीक है, 5 × 4 = 20, यहाँ से आपको कितना मिलता है, यहाँ पे देखना r³ है, यानी कि 5 × 5 और 3 × 13 × 13 × 5, ठीक है, देखो ये r³ था, ये इसको तो ऐसे कैसे रहने देता हूँ, और नीचे कितना है, यानी कि नीचे आपका पास 4 है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 5 तो आपका बाहर निकल आएगा, और यहाँ पे क्यूब में कितना बचेगा, यानी कि 13 × 39 = कितना हो जाएगा, 4, 4 × 7 = 36 हो जाएगा, और 3 × 4 = 28, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 5 और ये ब्रैकेट बंद, यहाँ पे कितना देगा, 9.75। अच्छा एक बार बताओ, अगर यहाँ पे एक क्यूब है और अगर मैं इसको बाहर निकालूँ यहाँ से, तो यानी कि 9.75 है, और मेरे को पता है कि 2 का क्यूब करता हूँ तो कितना हो जाता है, 8, और अगर मैं 3 का क्यूब करता हूँ तो कितना होता है, 27, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 2 के आसपास होगी, यानी कि 5 × 2 point something हो जाएगी, यानी कि जो इसका आंसर होगा 10 के आसपास होगा, और देखो एक ही आंसर है, ठीक है, 10.68, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल वैल्यू निकालने पर जाओगे तो फिर जन्म बीत बीत भी सकते हैं, ठीक है, और इतना टाइम होता नहीं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है और आसान क्वेश्चन भी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे x प्लस में 1/x = 11/5 है, और इसकी वैल्यू आपको पूछ रहा है क्या हो जाएगा, बेसिकली क्या हो जाएगा, n³ माइनस में कितना होता है, 3n हो जाएगा, n³ कितना हो जाएगा, 11 का क्यूब करोगे तो 1331 हो जाएगा, और 5 का क्यूब करोगे तो 125 हो जाएगा, और माइनस का 3, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 11/5 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 1331 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 125, और माइनस का कितना हो जाएगा, 33, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 125 और 5 का अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 125 ही आएगा,
ठीक है, यानी कि 125 आएगा। और नीचे देखो हर किसी में 125 है। अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता कि नीचे 125 नहीं है कुछ और है, तो फिर मैं चुपचाप से 125 वाले पर टिक करके आगे बढ़ जाता। ठीक है, यहाँ से मैंने 125, यहाँ पे तो 1331 ही आएगा, लेकिन यहाँ से कितना, यानी कि 25 पंचे, यानी कि 25 को आप 33 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 25 तीय कितना हो जाएगा 75 के साथ, 25 तीय 75 और 7 कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, यानी कि 825 हो जाएगा। 1331 में से, यानी कि 1331 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। और एक चीज़ और देखो कि जो लास्ट डेट आपके पास में 6 आ रही है और अपॉन में कितना आ रहा है, 125 आ रहा है, तो बाकी मैं सॉल्व ही क्यों करूँ, मैं लास्ट डेट क्यों ना देख लूँ, यानी कि 5 को अगर मैं इससे करता हूँ तो 1250 में 1250 में अगर एक जोड़ूंगा तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है मेरे को कितनी मिलेगी, एक मिलेगी। यहाँ 5 7 35 और एक कितना हो जाएगा 36। ठीक है, यहाँ पे आपको 6 मिल जाएगा। और इसके अलावा 5 5 25 और एक कितना हो जाएगा 26, यहाँ पे भी आपको 6 मिलेगा। 5 4 20 और 6 26, यहाँ पे भी आपको 6 मिलेगा, यानी कि ये वाला आंसर आपका नहीं हो सकता। अब देखो, यानी कि 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, 12 में से यानी कि 2 का 0 ही रहेगा। ठीक, और फिर बाद में 12 में से 8 जाएगा तो 406, यानी कि 125 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 5 20 की 2, 4 2 8 2 10, 4 1 4 500, कुछ गलती हो गई क्या, यानी कि 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा और 2 0 का 0 रहेगा, और यहाँ पे 13 में से 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 506 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 506 हो जाएगा, यानी कि 506 के बटे में 125, यानी कि ऑप्शन कौन सा जा रहा है, ऑप्शन आपका 4th इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी शिफ्ट है ये वाली, यानी कि 26 तारीख की 3rd शिफ्ट आपकी खत्म होती है। मिलते हैं एक और सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, और कंटिन्यूटली बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत मेहरबानी होगी आप सभी की। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जय हिंद।